reactions of ammonia derivatives. Last time हम लोगों ने acid catalyzed reaction start किए थे और ये उसी के आगे extension है acid catalyzed nucleophilic addition reactions. ठीक है, आप इसको ACNAR reactions बोल लो. ठीक है, और इसी तरह हम लोगों ने सबसे पहले base catalyzed nucleophilic addition reactions देखे थे जो इस chapter के start में थे, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी types देखी थी. acid catalyzed में आपके पास weak nucleophiles होते हैं और उनकी nucleophilicity हम increase नहीं कर पाते. हम ये करते हैं कि हम लोग carbonyl group का जो carbon होता है उसकी electrophilicity increase कर देते हैं. ठीक है, ताकि इस पे completely positive charge आ जाए, partial positive ना रहे और weak nucleophile भी इसको आके attack कर सके. acid catalyzed reactions में एक बहुत ही जो common reaction होता है वो होता है ammonia derivatives का, और ये इतना important है कि इसके ऊपर हम basically 2-3 lectures लगाएंगे. अमोनिया डेरिवेटिव्स, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अमोनिया नाइट्रोजन एंड एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, एंड नॉर्मली वी ड्रॉ इट दिस वे कि आपके पास ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के वो ये होते हैं और 3 हाइड्रोजन्स के यूं करके इसके साथ आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हुए होते हैं नाइट्रोजन की तरफ. सो नाइट्रोजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड हियर, सो NH3 इज द फार्मूला फॉर दिस. इसके तीन तरफ को हाइड्रोजन अटैच हुआ हुआ है और एक तरफ को आपके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का. तो अमोनिया बजाते खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करता है, क्योंकि इसमें जो एक तो लोन पेयर भी है, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आप कह सकते हो ये बिहेव करता है. अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो और यहां पे आप कोई भी एक और ग्रुप लगा देते हो, इसको आप जी ग्रुप कह लो, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अमोनिया डेरिवेटिव कहलाता है. ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है और हमने इस अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन देखना है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. ठीक है, सो सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि ये जो जी मैंने बात की ये क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं, कितने किस्म के अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं. पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप एन के दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड है. ठीक है, एक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे दो कर लेते हैं हम. यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आप ओ एच ग्रुप अटैच कर दो. ठीक है, ओ एच में आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास OH ग्रुप है और ये जो आपके पास पूरा कंपाउंड बना है इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल एमन. ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी बात मुझे लगी है कि हम लोग नॉर्मली जो पाकिस्तानी इसको बोलते हैं वी कॉल इट अमीन, बट दिस इज नॉट अमीन, बेसिकली इट्स एमन. ठीक है, इट्स एमन एंड इट्स हाइड्रोक्सिल एमन. ठीक है, यू नाउ कॉल इट हाइड्रोक्सिल एमन. सो दिस इज Mn for the reason it is derived from ammonia, और hydroxyl आप पीछे इस वजह से लगा रहे हो क्योंकि hydroxyl group इसके ऊपर attached है. ठीक है, this is hydroxyl Mn. सबसे पहला reaction हम basically hydroxyl Mn का ही देखेंगे, but थोड़ी देर बाद. दूसरी possibility ये है कि एक N के साथ H और H attached है ना, और ये arm इसकी खाली है. अब एक और इसी तरीके से लो N और उसके ऊपर भी H और H अटैच कर दो. ठीक है, ये अब क्या स्ट्रक्चर बन गया, N2H4 एंड इसको आप बोलते हो हाइड्रोजीन. हाइड्रोजीन, ठीक है, अगेन हाइड्रोजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. या आप अभी डिटेल्स में इसके रिएक्शंस देखोगे तो आपको समझ आएगा. ठीक है, हाइड्रोजीन के अंदर ही आप एक पॉसिबिलिटी ये कर सकते हो कि हाइड्रोजीन तो ये चीज थी ना कि ये यहाँ पे G की जगह आपने NH2 लगा दिया था, तो G की जगह आप N, H और वो जो दूसरी आर्म है यहाँ पे H ना लगाओ, बल्कि यहाँ पे एक बेंजीन की अगर आप रिंग लगा दो. ठीक है, तो अब ये जो चीज बन गई है इसको हम बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजीन. अच्छा, वंस अगेन दिस इज
इंटरेस्टिंग कि हम लोग इसको फिनाइल बोल रहे होते, दिस इज नॉट फिनाइल, दिस इज फेनिल, इट्स फेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है. सो इन पर्टिकुलर इफ यू वॉन्ट टू बी एग्जैक्ट इन एक्सेंट, दिस इज फेनिल हाइड्रोजीन, वी से जीन नॉट जीन, बट दिस इज फेनिल हाइड्रोजीन, वी कॉल इट फिनाइल हाइड्रोजीन, इट्स आर वे, मतलब हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं वैसे तो, बट दिस इज फेनिल हाइड्रोजीन. फेनिल हाइड्रोजीन फॉर द रीजन कि आपने जी की जगह ये पूरी चीज आके अटैच की है और यहां पे आपने बेंजीन रिंग आके अटैच किया है और उसको आप फेनिल ग्रुप बोलते हो. अगर आप बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग का कोई एक हाइड्रोजन हटा देते हो और ये काम बाहर निकाल देते हो तो इसको हम फेनिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है. तो ये फेनिल हाइड्रोजीन के ऊपर लगा हुआ है इसलिए हम इसको फेनिल हाइड्रोजीन बोलते हैं, ठीक हो गया. इसके अलावा अभी तक हम तीन डिस्कस कर चुके हैं डेरिवेटिव्स, एक हाइड्रोक्सिल एमिन, सेकेंड वन वॉज हाइड्रोजीन एंड थर्ड वन वॉज फेनिल हाइड्रोजीन. लेट डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट वन. यही जो अभी हमने फेनिल हाइड्रोजीन लिया है ना, इसके ऊपर आप क्या करो कि जो लोकेशंस है ना कार्बन की, आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर हम लोग नंबरिंग किस तरीके से किया करते हैं. बेंजीन की नंबरिंग इस तरीके से होती है कि जिस लोकेशन के ऊपर भी हाइड्रोजीन लगा हुआ है ना, ऊपर इसके हाइड्रोजीन लगा हुआ है, या आप कह लो हाइड्रोजीन के ऊपर फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, या फिर आप कहो कि फेनिल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजीन लगा है, टेक्निकली इट्स द सेम थिंग. आपके पास यहाँ पे H है और यहाँ पे NH2 है, ठीक है. तो नंबरिंग में यहां से फिर स्टार्ट करूंगा. दिस इज द फर्स्ट लोकेशन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. एंड इफ यू कैन रिकॉल, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा लोकेशन. दिस इज अगेन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा लोकेशन. सो आप टू लोकेशन के ऊपर और फोर लोकेशन के ऊपर अगर एक नाइट्रो ग्रुप लगा दो NO2, और यहां पे भी अगर आप NO2 लगा दो, तो अब ये जो पूरा का पूरा बन गया है इसको हम नाम देंगे टेक्निकली 2.4 डायनाइट्रो, क्योंकि दो नाइट्रो ग्रुप्स लगे हैं, नाइट्रो ग्रुप NO2 को आप बोलते हो डायनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन. एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट इन लेबोरेटोरी एंड यू नो ओवरऑल, कि हमने इसको 2,4 DNPH नाम दे दिया है और इसके बाद हम बार बार इस रिएक्शन की बात करेंगे, इस कंपाउंड की बात करेंगे, ये जब भी इस्तेमाल होगा आई वुड कॉल 2,4 DNPH, ठीक है. सो आपको आगे फिर क्लियर होना चाहिए, मैं जब भी 2,4 DNPH बोलूं तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए हमने बनाया कैसे है. सबसे पहले हमने सिंपली ये बात की कि आप NH2 की एक NH3 जो है अमोनिया, उसकी एक आर्म आप तोड़ दो और वहां पे एक आर्म के साथ एक और NH2 आप अटैच कर दो, तो उसको हम सिंपली हाइड्रोजीन बोलते हैं. हाइड्रोजीन का अगर एक हाइड्रोजन आप रिमूव करके वहां पे आप फेनिल ग्रुप लगा दो या बेंजीन रिंग अटैच कर दो, तो उसको फिर हम फेनिल हाइड्रोजीन बोलते हैं. और फेनिल हाइड्रोजीन में जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर आप टू और फोर लोकेशन के ऊपर अगर दो नाइट्रो ग्रुप्स भी लगा दो, तो फिर ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है इट इज देन कॉल्ड 2,4 DNPH, ठीक है. हम जो रिएक्शंस देखेंगे, बेसिकली जो भी मैंने चार स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, हम चारों के रिएक्शंस देखेंगे विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस के ये रिएक्शंस होते किस तरीके से, यानी मैकेनिज्म, एग्जैक्टली क्या रिएक्शंस होते हैं वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे. हम लोग सबसे पहले मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं. आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है यूं करके, ठीक है. और सबसे पहला स्टेप तो वही होता है जिसका मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक प्रोटॉन है, वो आके अटैक करता है ये जो यहां से इसको, उसके रीजन ये है कि ऑक्सीजन जो है इसमें नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो जाके प्रोटॉन को हिट करेगा, ऑक्सीजन के साथ जाके एक प्रोटॉन अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहां से कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा और कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है. और ये हम पहले डिटेल में देख चुके हैं कि पॉजिटिव ही चार्ज क्यों आएगा, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देख लिया. अब चूंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब जो जो भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, अच्छा अमोनिया के डेरिवेटिव में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ चीज उसके क्या अटैच्ड है. होना यही है हर डेरिवेटिव के अंदर, यही होता है कि नाइट्रोजन के दो तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ठीक है, तीसरी तरफ उसके कोई ना कोई चीज लगी हुई होती है, ठीक है, और एक साइड पे आपके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है. और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि इस लोन पेयर जो है इसकी वजह से दिस कंप्लीट थिंग या दिस अमोनिया डेरिवेटिव बिकम्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल,
न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऐसी चीज होती है जो न्यूक्लियस लविंग होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा न्यूक्लियस लविंग कौन सी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स हैं नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करता है। वैसे ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल के तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली है वो यही होती है कि आपके पास लोन पेयर्स होने चाहिए। अब ये क्या करेगा कि ये यहां से जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है। वैसे ये उसको नहीं कर सकता था, अगर आप ये बीच में ये प्रोटॉन ना डालते ना तो फिर ये रिएक्शन नहीं होना था, क्योंकि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसने जाके अटैक ही नहीं करना था। वैसे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था ना कार्बन के ऊपर, तो उस पर जाके इसने अटैक नहीं करना था। यानी अगर ये जाके इस रूट से अटैक करता इसको, तो ये वाला अटैक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट ये वाला अटैक पॉसिबल है क्योंकि अब यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ चुका है कार्बन के ऊपर, अब वो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कार्बन। ये जो नाइट्रोजन है पूरा का पूरा जाके वहां पे अटैच हो जाएगा, और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है मुझे यही बता रहा है ना कि यहाँ पे इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है किसी को, तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना ये वाले वहां पे जाके उसके साथ पेयर हो जाएंगे, और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बेसिकली डोनेट कर देगा कार्बन को, और जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर फिर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ इट। OH दो साइडों पे आर्म्स हैं जिसके ऊपर कुछ भी लगा हुआ है उससे हमें गर्ज नहीं है, यानी वो तो एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा लिया था। नीचे आपके पास एक N आके अटैच हो जाएगा जिसके दोनों तरफ एक एक H लगा हुआ है, और नीचे उसके एक G चीज लगी हुई है, और ये जो दो आपको बॉन्ड नजर आ रहे थे ना येलो में दो इलेक्ट्रॉन पेयर, वो असल में अब यहां पे आ गए, ठीक है। और इस नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया कि आप इसने पूरा का पूरा एक कार्बन को दे दिया है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, अब नाइट्रोजन ने अपना एक उसको दे दिया। ये जो पूरा का पूरा बना है ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये एडिशन प्रोडक्ट अपने आपको कैसे स्टेबलाइज करेगा कि यहां से एक इस यहां पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना पूरा का पूरा, ये एच प्लस अगर आप अलग कर दो यहां से, एच प्लस अलग करने का मतलब ये हो जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहने दो, सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे रहने दोगे तो ये प्लस चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा, और ये आपके पास फिर फाइनल प्रोडक्ट बच जाएगा, और H प्लस आपने साथ से अलग कर दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन रूट है ओवरऑल, ठीक है। और अब आप अगर फाइनल प्रोडक्ट पे गौर करो तो ये आपके पास क्या चीज बन रही है, सी एन जी इन स्ट्रेट लाइन, वंस अगेन सी एन जी compressed natural gas, you know it's very easy to remember CNG. आपके पास हमेशा CNG type products बनते हैं, carbon bonded with nitrogen bonded with the group which was from the ammonia derivative. और एक और interesting चीज ये कि जो C के ऊपर एक hydroxyl group attached होगा हमेशा, और N के ऊपर एक hydrogen हमेशा बचा हुआ होगा, ठीक है। और किसी तरीके से अगर आप dehydration करा दो इस compound की तो ये H और OH दोनों खत्म हो जाएंगे, H2O बना देंगे, और कार्बन और नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N, ठीक है। कार्बन पे अभी भी दो आर्म्स खाली हैं, और N के साथ सिंपली एक G अटैच्ड है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और ये जो अभी फाइनल हम लोगों ने स्टेप किया है इसको हम बोलते हैं डी हाइड्रेशन, ये हम लोगों ने अभी सिंपली डिहाइड्रेशन कर दिए। वंस अगेन हम इस पूरे प्रोसीजर को देख लेते हैं क्या हुआ, ये बहुत इजी है याद रखने के लिए। कार्बोनाइल ग्रुप को एक एसिड ने अटैक किया, ये तो अभी तक तो ये जो पहला स्टेप है ये तो यही है ना जो सब में होता है, यानी कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और फिर कोई न्यूक्लियोफाइल जाके हिट करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल सिर्फ आपने याद रखना है कि NH3 से NH2G बन गया, यानी एक ग्रुप या डेरिवेटिव है ना कोई अमोनिया का, यानी किसी एक H की जगह G अटैच्ड है। तो ये जो G है ये NH2, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो मर्जी हो, यहां से ये लोन पेयर्स की वजह से, इस एक लोन पेयर की वजह से ये यहां पे बॉन्ड बना लेगा, तो C, N और G एक लाइन में आ जाएंगे तीनों, और क्या होगा नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कैसे होगा, अगर आप H प्लस को साथ से एक रिमूव करा दो, ठीक है, वही जो आपने शुरू में ऐड करवाया था ना, यहाँ पे जो ऐड हुआ था वही वहां से जाके रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो H प्लस का ऐसे बीच में कैटलिस्ट का ही काम है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। फिर आपने क्या करना है,
ये जो सबसे पहले स्टेप में आपने प्रोटोनेशन की, प्रोटोनेशन, और यहां पे आपने डी प्रोटोनेशन की, ठीक है, एक प्रोटॉन रिमूव हुआ नाइट्रोजन से. फिर ये हुआ उससे नेक्स्ट स्टेप में कि वाटर जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर से एक हाइड्रोक्सिल और एक एच जो है ये दोनों सेपरेट हो गए. अच्छा, यू माइट बी थिंकिंग कि ये खुद ब खुद कैसे सेपरेट हो गए. ये खुद ब खुद नहीं होते, उसकी रीजन ये होती है कि आप पढ़ चुके हो कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. आपके पास कभी भी एच और ओ एच अगर अटैच्ड हो तो वो दोनों सेपरेट कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड. तो सिंपली इसमें भी यही हो रहा है कि आपको भी एसिड यूज कर रहे हो तो वो एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करेगा और इस ओ एच को और इस एच को रिमूव कर लेगा. वो कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की शेप अख्तियार कर लेगा और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट एग्जैक्टली ये चीज बन जाएगी. ठीक है, दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म कि आपके पास जो फाइनल शेप आएगी कंपाउंड की वो कैसी होगी. लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. एग्जांपल हम ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे हम आर वन एंड लेट्स कॉल इट आर टू, और इसके अंदर आप डाल रहे हो एन, यहां पे लोन पेयर है, दो तरफ को एच अटैच्ड होगा और एक तरफ को कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, लेट्स कॉल दैट ग्रुप जी, फिलहाल हम उसको जी नाम दे देते हैं. अभी हम जनरलाइज्ड प्रोसेस देख रहे हैं कि आपके पास किस किस्म का प्रोडक्ट आना चाहिए. तो सबसे इजीली याद रखने का तरीका यह है कि आप ये जो कार्बोनाइल का ओ है इसके साथ एक लगा दो एच. ठीक है, बहुत ही सिंपल मैं आपको तरीका समझाने लगा हूं. सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक तरफ आर वन और एक तरफ आर टू था ना, ये चीज थी. आपने सिंपली ये करना है कि यहां से डबल बॉन्ड आपने तोड़ना है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ आपने H लगा देना है. ठीक है, और ये हमेशा यूं ही होता है सब एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस में, ऑक्सीजन के साथ आके एक प्रोटॉन आके अटैच हो जाता है, इसी वजह से इस कार्बन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आता है. और फिर इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएगा तो इसके साथ आके आपने एन एच जो दो साथ एच लगे हुए थे और साथ एक जी यूं करके उसके साथ आके अटैच कर देना है. यानी डबल बॉन्ड पे एक साइड पे आपने एच लगाना है और दूसरी साइड पे आपने ये पूरा जो अमोनिया का डेरिवेटिव है ये आपने अटैच कर देना है. और चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसके बॉन्ड ज्यादा हैं, तो यहां से वही जो प्रोटॉन शुरू में आपने ऐड किया था ना वही यहां से आपने एक रिमूव कर देना. ठीक है, ये आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया. फाइनल स्टेप में आपने सिंपली अब ये करना है कि ये आपका नाइट्रोजन के ऊपर एक एच और कार्बन के ऊपर एक ओ एच आके अटैच हुआ है, इन दोनों को आपने इससे रिमूव कर देना है. एक तो एच टू ओ बन जाएगा आपके पास और दूसरा कार्बन नाइट्रोजन का आपस में डबल बॉन्ड हो जाएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये चीज बन जाएगी. अब आप अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का कंपाउंड जनरेट करवा सकते हो. यहां पे जी की वैल्यू, आर वन की वैल्यू और आर टू की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने स्टार्ट में कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन लिया था. अगर आपने कोई एल्डिहाइड लिया था तो यहां पे इनमें से कोई एक चीज हाइड्रोजन होगी. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने यहां पे जो जी ग्रुप है या आपने जो भी चीज ली थी उसके हिसाब से यहां पे प्रोडक्ट बनेगा. अगर आपने अमोनिया ही का रिएक्शन करवा दिया था तो क्या होगा, दिस जी वुड बी हाइड्रोजन, तो एच एन डबल बॉन्ड सी. और यहां पे भी लेट सपोज कि आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया था, एच सी एच ओ, ये भी एच और ये भी एच, तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये चीज आपके पास बन जाएगी. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड. आप अगर इसका मैकेनिज्म आपको पता हो तो आप बड़े इजीली किसी भी किस्म का कंपाउंड यील्ड करवा सकते हो. लेट अस हैव अ रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव सीन अप टिल नाउ. वी हैव सीन एक तो एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किस किस्म के होते हैं. ठीक है, हमने देखा कि अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं वो इस शेप के होते हैं और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोक्सिल एमिन है. ठीक है, देन यू हैव हाइड्रोजीन N2H4, देन वी सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फेनिल हाइड्रोजीन एंड जिसमें आपके पास एक फेनिल ग्रुप अटैच्ड है एक हाइड्रोजीन के एक प्रोटॉन को निकाल के, और फिर फेनिल हाइड्रोजीन के ऊपर बेंजीन रिंग पे टू और फोर लोकेशन के ऊपर यू पुट टू नाइट्रो ग्रुप्स, सो यू गेट 2,4-DNPH और 2,4-dinitrophenylhydrazine. देन वी सॉ द मैकेनिज्म जिसमें सिंपली ये है कि सबसे पहले प्रोटोनेशन होती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका फॉर्म हो जाता है, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है.
कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देता है इस कार्बन की, जिसकी वजह से कोई वीक न्यूक्लियोफाइल बहुत आराम से आके इसको अटैक कर सकता है। और हमने देखा है कि जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, तो ये आके उसको अटैक करते हैं। इस जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो मर्जी चीज हो, सो आप जिस मर्जी चीज का रिएक्शन करवाओ, ओवरऑल मैकेनिज्म वुड बी द सेम। सो दिस वे ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल आता है हमेशा, और नाइट्रोजन के साथ हमेशा एक प्रोटॉन, एक एच रह जाता है, एक प्रोटॉन सेपरेट हो जाता है, और फिर आप इस एच और ओएच को डिहाइड्रेट करा देते हो इस कंपाउंड को, और पीछे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट की शेप एग्जैक्टली ये रह जाती है। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो भी चार मुख्तलिफ अमोनिया डेरिवेटिव्स देखे हैं, विच इंक्लूड हाइड्रोक्सिल एमएन, हाइड्रोक्सिल एमएन एंड देन फेनिल हाइड्रोजीन एंड इटसेल्फ हाइड्रोजीन एंड देन 2,4-DNPH, विल सी देयर रिएक्शंस डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ ये क्या प्रोडक्ट्स यील्ड करते हैं।